Angry flat owners of Amrapali Golf Homes hit the streets in Noida, Uttar Pradesh on Saturday to protest against the builder. The angry residents are protesting because of the delay in handing over the possession of homes by the builder, who also refused to pay penalties arising out of delay. हमें 2013 में घर देने का वादा किया गया था, 2010 में मैंने घर बुक कराया था, उसके बाद फिर जो नोएडा एक्सटेंशन का प्रॉब्लम चला उसके चलते 2015 जनवरी में घर देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि 2020 तक भी मेरे को घर मिलेगा, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है सर। और हर आपने मुलाकात की, मीटिंग की? जी, मैंने 3 अप्रैल को, हम लोग 150 से 200 बार गए, अनिल शर्मा जी से खुद मिले, जो CMD हैं आम्रपाली के, और जो हमारा आम्रपाली गोल्फ होम्स में हमने यहाँ फ्लैट बुक कराया है, गोल्फ होम्स के हमने 150 से 200 लोग जाके उनसे मिले, उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर कम से कम 1 से 1.5 हजार वर्कर आपको नजर आएंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा और आपको पोजिशन 2016 से मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्थिति नहीं लग रहा है कि हमें अगले 4-5 साल तक पोजीशन मिलेगा। हमारा पैसा फंसा हुआ है, हम EMI पेड कर रहे हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हो, और 2016 में जितने भी गोल्फ होम्स के 6000 बार जो पैसा 2010 से लगा के फंसे हुए हैं, उनका घर 2016 में किसी भी कीमत पे दिया जाए। इससे मेरी गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस चीज को देखें और हमें आत्महत्या करने पर मजबूर न करें, नहीं ऐसा हो जाए कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते मर जाए और हमारे बच्चे भी लगते रहे यहाँ। इस चीज को देखा जाए, हमारे हाथ जोड़ के गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे बारे में सोचें। हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, आम्रपाली गोल्फ होम्स के बायर इस नोएडा एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं सर। वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द नोएडा एक्सटेंशन एरिया, आम्रपाली गोल्फ होम्स हैज लार्जली रिमेन्ड अननोटिस्ड इवन एज इट्स फुल ऑफ सेवरल सैड स्टोरीज। कॉरेस्पॉन्डेंट आशीष फ्रॉम नोएडा फॉर ANI।